ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो आम तौर पर 65 साल से ऊपर के लोगों में पाई जाती है। इसमें धीरे धीरे याददाश्त कम होने लग जाती है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौधरी, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन एट मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्जाइमर रोग के बारे में। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से याददाश्त कम होने वाली बीमारी है, जिसको हम इंग्लिश में डिमेंशिया कहते हैं। अल्जाइमर मेन रूप से जो वृद्ध लोग होते हैं 65 साल से ऊपर के, उनमें पाया जाता है। ये बीमारी 70 साल से ऊपर के लोगों में 10% में पाई जाती है और 85 साल से ऊपर के होते हैं उनमें 20-40% लोगों में पाई जाती है। अल्जाइमर रोग का जो सबसे मुख्य कारण है वो तो बढ़ती हुई उम्र है। ज़्यादा उम्र के लोगों में इसका प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, 70 साल से ऊपर 10% लोगों में होती है और 85 साल से ऊपर 20-40% लोगों में होती है। इसके अलावा अगर परिवार में इसकी हिस्ट्री रही है तो 2% केस अल्जाइमर के ऐसे होते हैं जिनकी परिवार में बाकी लोगों को भी अल्जाइमर डिजीज होती है। साथ ही साथ अगर कम पढ़े हुए लोग हैं, जो जिनको शुगर रही है, बीपी के पेशेंट हैं, जिनके ब्लड में होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ है, पहले के सर में चोट रही है या पहले इन्फेक्शन रहा है, ऐसे लोगों में अल्जाइमर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अल्जाइमर रोग का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है याददाश्त की कमी होना। इसमें जो याददाश्त की कमी होती है वो बहुत ही इंसिडेंटली धीरे धीरे शुरू होता है और ये प्रोग्रेस करती जाती है, और इसके जो स्टेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लक्षणों को करते हैं। जैसे शुरुआत में सिर्फ छोटी चीज़ों को भूल जाना, जैसे चाबी रख के भूल गए, जो पैसे का मैनेजमेंट है वो भूल गए, मार्केट से कोई चीज़ खरीदने के गए थे वहाँ भूल गए। फिर जब थोड़ी एडवांस स्टेज में आती है तो रास्ते भूल, जैसे पहले जाने पहचाने हुए रास्तों को भूलने लग जाते हैं। और जब एडवांस स्टेज होती है तो उस स्टेज के अंदर बिना कोई कारण के घूमता रहता है पर्सन, उसको ये एकदम एमलेस वांडरिंग जिसको बोलते हैं, बिना कोई कारण के घूमता रहेगा। और अगर डिजीज बहुत एडवांस, जिसको हम एंड स्टेज बोलते हैं, उसमें बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है, खाट पे आ जाता है, लेटिन पेशाब भी कपड़ों में ही करते हैं, खाने वगैरह का भी, खुद के कपड़े पहनने का, खाने का, सब चीज़ों पे दूसरे पे निर्भर हो जाता है। जैसे बाकी बीमारियों का हम निदान करते हैं, उसी तरीके से अल्जाइमर रोग के अंदर भी सेम अप्रोच होती है। सबसे पहले पेशेंट के क्या लक्षण हैं, फिर उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसके बाद में ब्लड की जांचें और सीटी या एमआरआई। अल्जाइमर रोग का जो इलाज है उसके अंदर हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सपोर्टिव, दूसरा जो पर्टिकुलर याददाश्त से रिलेटेड दवाइयाँ, और तीसरा जो अल्जाइमर के साथ में अदर एसोसिएटेड कंडीशन होती हैं उनको हम करेक्ट करते हैं। सपोर्टिव में जैसे शुरू में अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज होती है तो फैमिली मेम्बर को, हम और पेशेंट को खुद को भी बताते हैं कि आप अपनी चीज़ों को नोट्स बना करके रखें, छोटा लिख करके रखें। दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, अल्जाइमर एक इरिवर्सिबल डिजीज है, मीन्स एक बार हो गई ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। इसमें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती जो इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दे, इसलिए दवाइयाँ कंटिन्यू चलती हैं। मेन रूप से 2 ग्रुप्स की दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम एंटीकोलिनर्जिक और NMDA ब्लॉकर, जैसे डोनोपेजिल और मेमांटिन। कुछ पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज के होते हैं जो दवाई भी नहीं ले पाते, ऐसे लोगों के लिए आजकल पैच के रूप में दवाइयाँ आने लग गई। जैसे रिवास्टिग्मिन पैच आता है तो हम पेशेंट के पैच लगा देते हैं टाइम टू टाइम, उससे उस दवाई का लाभ मिलता रहता है।
जहाँ तक सपोर्टिव चीज़ों का सवाल है, अगर साथ में डिप्रेशन है तो हम एंटी डिप्रेशन देते हैं। ख़ासतौर से इसमें जो चॉइस ऑफ एंटी डिप्रेशेंट होती हैं वो SSRI ग्रुप होता है, जैसे एसिटालोप्राम वगैरह। अगर पेशेंट को नींद की कमी है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, जिसमें ओलंजापिन, क्यूटेपिन ये मेन ड्रग्स होती हैं। जहाँ तक फैमिली मेम्बर को देखभाल का सवाल है, तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि आप इनको बताएं कि ये छोटे नोट्स बना करके एक छोटी पॉकेट डायरी रखें, जिसमें लिख करके रखें। इसके अलावा ज़्यादा इसमें पजल सोल्व करवाना या ऐसे टास्क नहीं दें फैमिली मेम्बर की, मेंटल गेम, पजल सोल्व, उससे एक पेशेंट पे अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन होता है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो साथ ही साथ हम फैमिली मेम्बर्स को ये एडवाइस देते हैं, जो अल्जाइमर के ख़ास तौर से जैसे जैसे डिजीज एडवांस करती है, कि कुछ ऐसा जैसे हाथ में कड़ा वगैरह है वो पहनाएं, जिसमें प्लेट रहे, पेशेंट का नाम रहे, फैमिली मेम्बर्स का नाम रहे, शॉर्ट में एड्रेस और फ़ोन नंबर। क्योंकि ये लोग अगर घर से बाहर निकल जाते हैं तो खोने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो अगर कोई भी देखेगा तो आपसे कॉन्टैक्ट, क्योंकि अपना एड्रेस नहीं बता पाते हैं, खुद का एडवांस स्टेज में नाम भी भूल जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। इनके जो सराउंडिंग है, जैसे किचन है, बाथरूम है, खुद का बेडरूम है, जो स्टेयरवेज हैं, उनको सिंपल बनाएं। उनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ नहीं हो कि टकरा गए ये, या कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, भूल गए ये जाना बाथरूम में और किचन में चला गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और समय पर दवाई दें। और इस बीमारी के अंदर थोड़े से भी इन्फेक्शन और ख़ासतौर से इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दो चीज़ों का हम करते हैं कि अगर हल्का भी यूरिन या चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ और या नमक की कमी या ज़्यादा हुई, तो तेज़ी से ये पेशेंट डाउन चले जाते हैं। तो समय समय पर इनका डॉक्टर से सलाह लेकर के चेकअप करवाते रहें। अगर आपके परिवार में किसी को याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को जो अपना न्यूरोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि याददाश्त की प्रॉब्लम में एक अल्जाइमर डिजीज ही नहीं है, ऐसे भी डिमेंशिया या याददाश्त की प्रॉब्लम है जो रिवर्स हो सकती हैं। जो हमारे पास में स्टडीज हैं वो ये कहते हैं कि आउट ऑफ 100 मीन 100 में से 19 पेशेंट में ऐसे डिमेंशिया होते हैं जो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, और 100 में से 23 पेशेंटों में ऐसे जो डिमेंशिया होते हैं जिनको काफ़ी हद तक करेक्ट किया जा सकता है। और अगर अल्जाइमर ही आता है तो इसके अंदर भी अल्जाइमर की पर्टिकुलर टैबलेट्स होती हैं, और जो इसके साथ में जो कंडीशन होती हैं, जैसे मैंने बताया डिप्रेशन, एजिटेशन, इंसोम्निया, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक करेक्ट किया जा सकता है। इसलिए अपने जो फैमिली फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें।